So guys, hello and welcome to the channel. Or guys, in this video, I'm gonna tell you how to set Java path in your Wipro laptop. So basically, a lot of people are getting a lot of issue to set the Java path in the Wipro laptop. So those people who has requested to me, please make a video on it. So that's why I'm making a video on it. So please, if you are really if you are facing problem, please don't skip this video. And truly, I'm saying. And I can say that you don't have to go anywhere after watching this video, and if at the end of the video you will be able to understand why this problem I am getting. Okay, so video ko start karte hain guys. To sabse pehle main yahi bolna chahunga ki main, let's suppose, maan ke chalta hun ki aapne jo JDK hai, Java jo hai, wo aap install kar rakhe hain, kyunki Java aap Wipro laptop mein wo by default आपको जो भी लिंक मिला होगा मैम के तरफ से, आपके ट्रेनर के तरफ से, वो लिंक को डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, इट्स वेरी इजी. ओके, तो गाइस उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या है, अगर वो नहीं पता है कि आप JDK इंस्टॉल किए हैं या नहीं किए हैं, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है गाइस. तो उसके लिए आपको कोई भी आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है. तो इस तरीके से दिस पीसी ओपन करने के बाद आपको सी में जाना है. सी के अंदर जाएंगे ना, तो प्रोग्राम फाइल्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जावा नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाएंगे तो ये JDK, आपका JDK वर्जन जितना आप इंस्टॉल किए होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा कुछ फोल्डर बन गया होगा उस पर्टिकुलर वर्जन के अकॉर्डिंग. तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मेरा 16.0.1 है. ओके, तो अब यहाँ तक बेसिकली, और बिन को ओपन कर लेता हूं. तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर जो वार दिख रहा है, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ था, यहां से आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद इसको ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा ब्लू कलर में, जैसा कि आप टिक देख रहे हो, सिलेक्ट हो गया है. अगर नहीं भी हुआ है तो आप कहीं भी एक जगह पे क्लिक कर दें और फिर इस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा. अगर इस अनसेलेक्ट हो जाता है तो कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है. अब आपका बिन तक का जो पाथ है वो कॉपी हो चुका है. तो अब इसको सेट करने के लिए मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट करने की जरूरत पड़ेगा. ओके, तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, तो बेसिकली आप लोग क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पर बात करते हैं. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं कि बेसिकली गाइस, आपने जो Wipro लैपटॉप में आप ADID Wipro लैपटॉप, जो Wipro ईमेल आईडी के थ्रू आपने जो लॉग इन किया है ना, वो आपको एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, वो बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम. तो वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम मैं अपने सिस्टम पे ओपन करवा के दिखा देता हूँ. तो गाइस देख सकते हैं, जैसा कि आपको भी ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, आपका जो फर्स्ट ADID के थ्रू यूजर नेम होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं. ये मैंने टेस्ट पर्पस के लिए अपने सिस्टम पे बनाया है. ओके, तो अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस यूजर के साथ लॉग इन हूँ. अब मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक सिंपल स्टेप आपके जो ट्रेनर होंगे वो बता रहे होंगे. दिस पीसी पे जाना है, दिस पीसी पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है. जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे जाने के बाद बेसिकली आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है. तो एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मे बी ये पॉपअप रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो एक पॉपअप आएगा जिसपे आपको पासवर्ड मांगेगा. विदाउट एडमिन पासवर्ड आप इस चीज को एडिट नहीं कर सकते, मे बी Wipro का लैपटॉप पे इस लेवल तक अलाउड होता है. तो उसके बाद बेसिकली जैसे ही आप एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जा रहे हैं, तो आपको पासवर्ड मांग रहा है और एडिट सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट नहीं कर पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम. सो इसका एक ही सॉल्यूशन है गाइस. तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, आपको सीधा भाषा में मैं समझाने वाला हूँ. इसके बाद मैं आई विल गारंटी कि आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो अभी क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है, आपके Wipro का जो भी लैपटॉप है उसमें सर्च बार में जाना है, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको सर्च करना है एडिट. जैसे एडिट आप सर्च करोगे, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से दो ऑप्शन को आपको फोकस करना है. जिसमें से पहला मिलेगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल कंट्रोल पैनल. तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से फिर से पॉपअप आ गया, और ये मुझे एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है, जो मेरा मेन यूजर है उसका पासवर्ड मांग रहा है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये पॉपअप नहीं आए, उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है, एडिट पे सर्च करना है. जैसे ही एडिट पे सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पे गाइस नीचे में ही आपको दिख जाएगा एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट. ओके, तो बेसिकली ये आप अपने जावा पाथ जो सेट कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट के लिए सेट कर रहे हैं. जावा ऐसे चीजें अलाउ करती है कि आप अपने अकाउंट के लिए एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है. सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एनवायरमेंट वेरिएबल का पॉपअप आ चुका है. ओके, बिना यूजर नेम पासवर्ड मांगे हुए.
तो गाइस मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो विप्रो की तरफ से नहीं मिलेगा, तो उसका सॉल्यूशन यही है। तो आपको इस तरीके से सेट करना, अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको जाना है, पाथ पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा दिख रहा है कुछ ऐसा ब्लैंक स्पेस, ऐसा ही आपका भी दिखेगा। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना है और जो मैंने पाथ को कॉपी किया था उस पाथ को क्या करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, ओके पे आपको क्लिक कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको चेक करना है, अब आपका फाइनली क्या है, आपका जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो एडिट हो चुका है, पाथ सेट हो चुका है जावा का। तो अब क्या करना है, Windows+R कमांड प्रॉम्प्ट, Windows+R प्रेस करना है, या नॉर्मली आप सर्च करके भी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। सो गाइस आपका भी कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर दिख रहा होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे सी यूजर्स के अंदर आपका SH, जैसे मेरा ADID शैलेंद्र है तो SH दो बार, एम्प्लॉई आईडी ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको चेक करना है, कमांड एक लिखना है जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका एनवायरमेंट वेरिएबल जावा पाथ सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, आपको जावा सी कमांड चलाना है या फिर आप नॉर्मली जावा कमांड को भी चला सकते हैं। बेसिकली ये टेस्ट करने के लिए है, अगर फाइल नोट फाउंड का एरर अगर नहीं आता है तो दैट मीन्स कि आपका जावा पाथ सेट है। तो जावा सी जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, सो गाइस देख सकते हैं बहुत सारे जावा सी से रिलेटेड जितने सारे हेल्प कमांड है ना, वो मुझे हेल्प कमांड ओपन करके दे दिया है, यानी कमांड जो है मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से आपका जावा पाथ सेट हो चुका है। अगर फाइल नोट फाउंड का ये कमांड नोट फाउंड का एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका जावा पाथ सेट नहीं हुआ है। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपका क्लियर डाउट क्लियर हो गया होगा। इट डजेंट मैटर कि गाइस आप कौन सा बैकग्राउंड से, आपका टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, लेदर टेक्नोलॉजी से हो, किसी भी ब्रांच से हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहां से पर्सनली आपको हेल्प कर दूंगा गाइस। ओके, सो गाइस होप सो ये वीडियो, और गाइस फाइनली एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए गाइस जो लोग दूसरे ब्रांच से बिलोंग करते थे, नॉन CSIT ब्रांच है, उनको नहीं आता है ये सारी चीजें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिए ताकि वो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।